तो दोस्तों बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही थी कि नो स्कार्स क्रीम का कैसे यूज करें कि उनकी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, उनकी स्किन गोरी हो जाए, उनकी स्किन से पिंपल हट जाए, उनकी स्किन से दाग धब्बे इस क्रीम को यूज करने से चले जाए। सारे उपाय इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे आपको, और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे यूज करना चाहिए आप लोगों को, सभी टाइप की स्किन के लोगों को, ताकि इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, पूरी देखना, और इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक ही शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस क्रीम से यूज करने से होता क्या है, उनकी स्किन रेड हो जाती है, उनकी स्किन पतली हो जाती है, उनकी स्किन की नसें दिखने लगती हैं, प्लस उनकी स्किन का जो कलर होता है वो भी डिसबैलेंस हो जाता है इसको गलत तरीके से यूज करने से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको यूज किन लोगों को करना है। देखिए, यदि डॉक्टर इसको यूज करने के लिए लिख रहा है, और जितने दिन तक के लिए लिख रहा है केवल उतने दिन के लिए यूज करना है। बहुत सारे लोग इस क्रीम को यूज फेयरनेस क्रीम की तरह करने लगते हैं कि चेहरा उनका गोरा हो जाए, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हाँ भाई, तुम लोगों को ऊपर वाले ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन तुम अपनी स्किन को और अच्छा बनाना चाहते हो, इसका मतलब कि तुम अपनी केयर करते हो, सेल्फ केयर करते हो, सेल्फ लव करते हो, इस वजह से ऐसे प्रोडक्ट में आप आ जाते हो। उन लोगों के लिए भी इस वीडियो में एक चीज मैं बताऊंगा जिससे उनको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, प्लस फेयर स्किन मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नो स्कार्च क्रीम। देखिए, यदि आपको कोई डॉक्टर नहीं लिख रहा है तो प्लीज अपनी तरफ से जाके मत खरीदो, लेकिन जो लोग इस क्रीम को परचेज कर चुके हैं और वो लोग यूज कर रहे हैं और उनकी स्किन रेड हो रही है, या फिर चेहरे की नसें दिख रही है, या स्किन पतली हो गई है, या फिर स्किन पे स्क्रैच आ गए, मतलब कि छिल गई है, या फिर स्किन की चमड़ी निकल रही है, स्किन पे हेयर ग्रोथ हो रहा है, कोई भी साइड इफेक्ट इस क्रीम से हो रहा है, तो सबसे पहले करना है कि आपको इस क्रीम को बंद नहीं करना है, आपको परचेज करनी है एक दूसरी क्रीम। इसका नाम है माई पेनवाइट फेयरनेस नाइट क्रीम। ये डिब्बी गंदी इसलिए दिख रही होगी क्योंकि ये खाली हो चुकी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट ये यूज की हुई है, मैंने इसको यूज किया था। दोस्तों, एज अ नाइट क्रीम की तरह ये क्रीम यूज की जाती है, आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और उनकी वेबसाइट है penwhite.com पे मिल जाती है आसानी से। दोस्तों, ये इतनी अच्छी क्रीम है कि इस क्रीम को यूज करने से ना तो आपके साइड इफेक्ट होने वाले हैं, यदि किसी भी क्रीम से आपको साइड इफेक्ट हो रखा है, जैसे मान लेते हैं कि नो स्कार्च आपने यूज कर रहे हैं और आपको हो रहा है साइड इफेक्ट, नो स्कार्च क्रीम से आपको साइड इफेक्ट हो रहे हैं, आपको करना क्या है, ये परचेज कर लेना है और नो स्कार्च ले लेना है, दोनों को मिक्स करके लगाना है। दोनों को मिक्स करके कब तक लगाना है, 3 से 4 रात तक कि आप इन दोनों को मिक्स करके लगा सकते हो इन दोनों क्रीम को, उसके बाद आप नो स्कार्च को बंद कर सकते हो। ऐसा क्यों करना है, देखिए, ये एक एस्ट्रॉयड क्रीम है और एस्ट्रॉयड की आदत आपकी स्किन को हो चुकी होती है, यदि आप इसको अचानक से बंद कर देते हो आज के आज, तो होगा क्या, आपकी स्किन की जो आदत लग रखी है एस्ट्रॉयड की, वो इफेक्ट होगी और आपकी स्किन पहले से ज़्यादा डार्क हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छा नहीं लगेगा आपको, और आप टेंशन में आ जाओगे, मानसिक तनाव हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का सामना ना करना पड़े, तो आपको करना क्या है, इन दोनों को मिक्स करके लगाना है 3 से 4 रात तक, उसके बाद इस क्रीम को कर देना है बंद। अब सवाल उठता है, इस क्रीम को आपने लगाना शुरू किया, आप इस क्रीम से क्या साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, स्किन पतली हो तो नहीं हो जाएगी? देखिए, ये जो पेनवाइट क्रीम है, इसकी जगह एक आती है स्किन प्रोटेक्टर आयुर्वेदिक क्रीम, एक मिनट रुकेगा मैं दिखा दूँ, मेरे पास वो भी रखी है। देखिए, ये क्रीम आती है, ये भी साइड इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए ही बनी हुई है, लेकिन जो पेनवाइट क्रीम है ये थोड़ी सी महंगी है, 499 रुपये की, और ये 225 रुपये की आती है, ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। तो अगर आपका बजट ये बन रहा है तो आप ये भी परचेज कर सकते हो, यूज करने का तरीका सेम होगा, ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा था, इसको मिक्स करके लगाना है 3 से 4 रात तक, अगर इसको परचेज कर रहे हो तो भी इसको मिक्स करके लगाना है 3 से 4 रात तक, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस क्रीम के, जितने भी साइड इफेक्ट हो रखे हैं वो ठीक हो जाएंगे, प्लस जितनी गोरी स्किन आपको नो स्कार्च ने बना के दे दी है वो ये क्रीम मेंटेन रखेगी। तो जितने आप गोरे हो नो स्कार्च क्रीम से, इस क्रीम को यूज करने से उतने गोरे बने रहोगे। ये क्रीम करेगी क्या, आपकी स्किन की नरिश करेगी, आपकी स्किन पे जितने भी साइड इफेक्ट हो रखे हैं, आपकी स्किन पतली हो रखी है, उस स्किन को नॉर्मल बनाएगी, प्लस नॉर्मल बनाने के साथ साथ ये चीज यूज करने से होगा क्या, आपकी स्किन जो पतली हो रखी है वो मोटी हो जाएगी, मतलब समझ लो जैसी पहली थी वैसी ही हो जाएगी, और आपकी रेडनेस खत्म हो जाएगी, आपके हेयर ग्रोथ हो रहा है वो खत्म हो जाएंगे, ये सारे बेनिफिट ये क्रीम और ये क्रीम भी देती है। तो आप अपने बजट के हिसाब से यूज कर लेना, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे नो स्कार्च को सही तरीके से किस तरह यूज करें। तो पहला, अगर जब डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो यूज करना है, वरना आपको बिल्कुल भी ये क्रीम नहीं यूज करनी है। अब बात कर रहे थे हम लोग पेनवाइट को, तो पेनवाइट कितने दिन तक की यूज करनी, कितने दिन तक की नहीं यूज करनी, टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप कितने दिन तक यूज करना चाहते हो, कितने दिन तक यूज नहीं करना चाहते हो। इस क्रीम को रिजल्ट देखने में आपको 4 से 5 दिन में ही मिल जाएंगे कि हाँ, आपको सूट कर रही है, आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम वो कम होने शुरू हो गई है, और इसको जब मन हो तब आप बंद कर सकते हो। और अगर नहीं बंद करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो फेयरनेस मिल रही है वो बरकरार रहे,
इसका यूज आप कंटिन्यू कर सकते हो रात को सोते समय। क्या डेली लगानी पड़ेगी ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वीक में 5 से 6 दिन लगाइए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इस क्रीम को लगाने के एक और भी फायदे होते हैं, जैसे आपके ओपन पोर्स हो जाते हैं, कुछ लोगों के गड्ढे हो जाते हैं चेहरे पे, वो भी ये क्रीम भर देती है। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कोई भी सवाल हो कमेंट करना, सबका रिप्लाई कर दूंगा मैं। मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।